दादी जल्दी कैसे गई है ना? हाँ कैसे? मेरे पर ही है। हाँ कभी आर कभी पार लगाती रे नजर। दादी ऐसा कोई गाना नहीं है। अरे है बाबा, बहुत फेमस गाना है, आप बताइए ना। मगर हमने तो कभी नहीं सुना। दादी आर गई, दादी आर गई, अब हमारी बारी है। कर गए चल लड़के ब्यूटीफुल, कर गए चल। ऐसा भी गाना है? हाँ है ना। आप और दादाजी को तो कुछ पता ही नहीं है। चलिए ना एल से गाइए। एल से मेरी बारी है। हाँ एल एल और लेके पहला पहला प्यार भर के जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बस कुछ ही दिनों की बात है रीता, मैं तुम्हारी सारी ज्वेलरी लाकर तुम्हें वापस दे दूंगा और साथ में तुम्हारे लिए एक रिंग भी बनवा दूंगा। शादी के बाद एक साड़ी तक तो दिलवाई नहीं आपने और आज रिंग बनवाने की बात कर रहे हैं। वो तो अब बाकी सारे खर्चों में से कुछ बचेगा तो तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा ना। तो ज्वेलरी वापस कहाँ से लाके दोगे? और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे आपको एक साथ चाहिए क्यों। वो सवाल जवाब बाद में कर लेना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इस वक्त वो ज्वेलरी मुझे दे दो प्लीज। वो मेरी शादी की ज्वेलरी है, आपके और मेरे माँ बापू जी ने मुझे दी थी। रीता रीता ये टाइम तेरे मेरे का नहीं है। एक तो आप एक पैसा सेव करते हैं नहीं और मैं ऐसा खास कुछ कमाती हूँ नहीं। कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो बस ले देकर यही है हमारे पास। अरे इमरजेंसी है रीता, इसीलिए तो मांग रहा हूँ तुमसे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यार रीता तुम मुझे वो ज्वेलरी देती हो या नहीं? कंधा छोड़िए मेरा, मैंने कहा कंधा छोड़िए मेरा, नहीं दूंगी। अरे यार अगर जरूरत के वक्त पति पत्नी एक दूसरे का साथ ना दे तो पति पत्नी कैसे रिश्ते का मतलब क्या? मुझे नहीं पता था कि पति पत्नी होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी पति मांगे तो बिना कोई सवाल जवाब किए पत्नी अपने सारे गहने उसे दे दे। और आप कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? जो इंसान अपनी पत्नी से झूठ बोलता है उसके होते हुए किसी और औरत से संबंध रखता है, ऐसा रिश्ता? अरे यार अब वो बात बीच में कहां से आ गई? वो बात हमारे बीच में है और हमेशा रहेगी। अगर इतनी नफरत करती हो मुझसे तो रहती क्यों हो मेरे साथ? आखिर में एक सही सवाल पूछ लिया आपने। आज तक ये सवाल मैंने अपने आप से भी नहीं पूछा था, मगर आज आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। भाई और भाभी दोनों के फोन अब भी ऑफ आ रहे हैं। निरंजन अगर रीता को लेने गया होता तो अब तक दोनों वापस आ गए होते, या फिर निरंजन अकेले आ गया होता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सेठ जी। मुझे लगता है कि रीता जरूर अपने भाई के घर गई होंगी। बाबू जी मैंने उनके नंबर भी ट्राई किए थे पर उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। अब यहाँ बैठकर सोचने से तो कुछ नहीं होगा। राहुल एक काम करते,
मैं और तू रीता के भाई के घर चलते हैं। हम दोनों मिलकर उसे मनाकर ले आएंगे। ठीक है बाबूजी, मैं चेंज करके आता हूँ। निरंजन आ गया। पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल तुझे विक्रम भाई बुला रहे। चल मैं दे दूंगा अपना। चल नहीं तो यही ठोक दूंगा। निरंजन, निरंजन बाबूजी, निरंजन चल बाबूजी, चले गाड़ी चालू कर गाड़ी इसको। चल चल अरे कहां ले गए इसको? कौन थे ये लोग? अरे बेटे को उठाकर ले गए। सारा कसूर मेरा है। मैंने निरंजन को पैसे देने से मना किया था। अब देखो वो लोग पैसे के लिए मेरे बेटे को उठाकर ले गए। पता नहीं क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। मिला अब इस रोने धोने से समस्या हल तो नहीं होगा ना? आप तो नहीं रो रहे ना, तो आप क्यों नहीं हल निकालते? मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आपका है। मेरा? हाँ आप ही का। मैंने पैसे देने से मना कर लिया और आपने मान लिया। मेरी हर बात मानना जरूरी है क्या? मुझे डांट कर मना कर सकते थे ना, खुद अपनी मर्जी से पैसे नहीं दे सकते थे? इला मुझ पर या खुद पर इल्जाम लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। हम तो नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो बस यही चाहते थे कि निरंजन ये जो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्रों में पड़ा रहता है वो ना करे, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। बस ना करे वो कुछ भी एहसास, उसके जो दिल में आए करता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। बस मैंने मेरा बेटा। समीरा की उसे मैंने कॉल किया था। हमसे कितना नाराज होकर गया था। गनीमत भाई के लिए सही बात हो गया। निरंजन भैया के दो चार दोस्त थे जिनके नंबर मेरे पास थे, मैंने सबको फोन कर लिया। उनमें से भी किसी को नहीं पता कि भैया को इतने पैसे किसको देने थे। शायद रीता को कुछ पता हो, अगर उसका फोन भी ऑफ है। नहीं बाबूजी, रीता भाभी से मेरी बात हो चुकी है, उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। सुनकर परेशान तो बहुत हो गई होगी, मगर उसे बताना भी जरूरी था। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ और वो इस तरह से चली गई। माँ ये समय ये सब सोचने का नहीं है। फिर इस समय क्या सोचो राहुल? जी सर। सुखीर राहुल बेटा, निरंजन का फोन अभी तक स्विच ऑफ है। बस किसी तरह से निरंजन से बात हो जाए। बस कहीं ये तो नहीं निरंजन का फोन? हाँ यही है। तुझे कहाँ से मिला? वो बाहर में गाड़ी पार्क कर रहा था तो साइडवॉक पर गिरा पड़ा मिला। वो लोग जब निरंजन को उठा के ले जा रहे थे शायद ये फोन उसके हाथ से गिर गया होगा। लेकिन अगर उसका फोन यहाँ है तो फिर उसे हम कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकते। बैठी रहे थे कि सब कुछ छोड़ के चलती है। चलो वैसे ना सही तो कम से कम मुसीबत के वक्त तो एक साथ सारे खड़े हो जाते हैं।
चाची, लेकिन निरंजन भैया के साथ ऐसे कैसे हो गया? क्या आपको नहीं पता था कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं? पूरी बात तो नहीं मालूम थी, लेकिन हाँ, निरंजन ने इनसे पैसे जरूर मांगे थे। मेरे ख्याल से हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कांटेक्ट बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो निरंजन के साथ कुछ ऐसी वैसी बात ना करना। नहीं बापूजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोई नॉर्मल एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग का मामला नहीं, वसूली का मामला है, हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। गायत्री, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? चाची, कुछ नहीं होगा। अरे भगवान, ये क्या हो गया? गायत्री, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। इस वक्त कुछ भी बुरा मत सोचिए चाची, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आप देखना, माँ भी सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ चलिए बैठिए। ये क्या, खून? मैं ठीक हूँ बापूजी। बैठो इधर। देखो वो तस्वीर। क्या जल्दबाजी क्यों करती हो? हम लोग है ना उठाने के लिए। बापूजी, ये मेरा दोस्त है सचिन पाटिल, इंस्पेक्टर है मलाड पुलिस स्टेशन में, पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर किसी फॉर्मल कंप्लेंट के लिए नहीं है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे? भाई का पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल तुझे विक्रम भाई बुलाने, चल। मैं दे दूंगा, चल चल, तुझे यही ठोक दूंगा। ये तो क्लियर है कि वो लोग कोई प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं। ये लोग बिना किसी चीज को गिरवी रखते हुए उल्टे सीधे ब्याज पर लोन देते हैं और फिर वसूली करते समय ये सब करते हैं। इनका धंधा इनके डर के बल पे चलता है। यार सचिन, ये लोग निरंजन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचे? वैसे इन लोगों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है, मगर एक बात तो है, निरंजन को नुकसान पहुंचाकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, इनका मेन हथियार लोगों को डराना ही होता है, और डराकर बस इन्हें पैसे वापस चाहिए होते हैं। तो क्या किसी तरह से हम इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पैसे देने के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं। हाँ बेटा, पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, बस तुम किसी तरह से हमारी ये बात उन तक पहुंचा दो प्लीज। मैं अभी अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव कर देता हूँ, कुछ ना कुछ हमें जरूर पता चल जाएगा। बेटा जो भी करना है जल्दी करो, हम सब बहुत परेशान हैं। चाची, चाची संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलूँ अभी। माँ जी, आपका बेटा ठीक ठाक घर आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं तुझे कॉल करूंगा। अगर मुझे पता होता कि निरंजन इतने खतरे में है तो मैं कभी पैसे देने से मना नहीं करती। पहली बार तो आपने सही काम किया है माँ, उसको पैसे देने से मना करके। ये आपने पहले कर दिया होता ना तो इस बात की नौबत नहीं आती। तुम कहना क्या चाहते हो? सब हमारी गलती है। जो आज हुआ वो बिल्कुल आपकी और बापूजी की ही गलती है। कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ दीदी, माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ ज्यादा सख्ती से नहीं बिगाड़ते, बल्कि ज्यादा लाड़ प्यार से भी बिगाड़ते। ये जब भी आपके पास आए पैसों की, आपने कभी मना नहीं किया, जब जो मांगा उठा के दे दिया, बस
यही बात इनके दिमाग में बैठ गई। मैं कुछ भी कर, कितना भी नुकसान कर, माँ बाबू जी है ना, दे देंगे पैसे। और देखिए जो बात 5-10 हजार से शुरू हुई, 8-10 लाख पर पहुंच गई है बाबू जी। चलो मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी, और तुम सबको भी जो भी इल्जाम लगाने हैं मुझ पर लगा लेना। लेकिन तरह ये तो सोचो, मुझे ये तो बताओ कि अगर इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो निरंजन को वापस कैसे लाएंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं बाबूजी? सुना ना क्या कहा सचिन ने, उसने कहा कि वो लोग हमें कांटेक्ट करें। लेकिन अभी तक उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया परिमल? क्योंकि माँ ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनका धंधा है ये। जितनी लेट वो हमें फोन करेंगे हम उतना घबराएंगे, इसलिए जब पैसे देने होंगे हम आनाकानी नहीं करेंगे, प्लान है उनका। रीता वो बेटा है हमारा, हम जानबूझकर उसका बुरा कभी नहीं सोच सकते। वो आए थे मेरे पास, दीदी मुझसे मेरी ज्वेलरी मांग रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया और उल्टा उनसे झगड़ कर घर से चली गई। इतने सारे पैसे आपको एक साथ चाहिए क्यों? वो सवाल जवाब बाद में कर लेना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इस वक्त वो ज्वेलरी मुझे दे दो प्लीज। वो मेरी शादी की ज्वेलरी, नहीं दूंगी। रीता हमें से किसी को भी नहीं पता था कि निरंजन कैसी मुश्किल से गुजर रहा है, तू अपने को दोषी क्यों मान रही है? पर मेरा भी दोष है ना, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी दीदी? कुछ नहीं होगा निरंजन को, कुछ नहीं होगा। क्या कहा निरंजन ने? पैसे लाने के लिए कहा है क्या? हाँ माँ। अरे पैसे ही लाने हैं तो तेरे पापू जी दे देंगे। रमेश भाई साहब के पास कैश रेडी रखा है, मैं परिमल को बोल देती हूँ, वो ले आएगा। रुकिए बाजी, देखो बाबू ये वक्त तेरा मेरा करने का नहीं है। देख निरंजन को आने दे, फिर जो तू कहेगी वैसे ही होगा। मैं तेरा मेरा नहीं कर रही हूँ माजी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम सब ने गुस्से में और दुख में जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी किया, लेकिन असलियत तो यही है ना कि आज जो कुछ हो रहा है वो सब इन्हीं की गलती है, और इस बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। आके देखने दीजिए इन्हें भी कि उनकी गलतियों की वजह से उनकी बीवी के सारे जेवर चले गए। लेकिन बेटा तो ऐसे कैसे रहेगी? नहीं माँ जी, इस वक्त मुझे जाना है। रीता ले इसे भी डाल दे, कहीं कम ना पड़ जाए। नहीं दीदी, उन्हें जितने चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास, मैं चलती हूँ। कहा निरंजन ने, कहा जा रही है तुम? ज्वेलरी देकर
उन्हें छुड़ाने जा रही। मिला तुमने से बताया नहीं कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया? बताया था मगर। अभी इसे जाने दीजिए, मैं बाद में बताती हूँ। अरे मगर कम से कम पुलिस को तो बता दे। बापूजी सच ये है कि इन्होंने उन लोगों से पैसे लिए और पैसे आज नहीं तो कल वापस करने ही है, तो इस मामले को और उलझाकर कोई मतलब नहीं। रुक जा रीता, हमारे घर की बहू इस वक्त ऐसे लोगों के पास नहीं जाएगी। बैग ही देना ना, मैं देकर आता हूँ। तुम बताओ कहाँ जाना। भैया ठीक कह रहे हैं बाबू, आपका वहां जाना ठीक नहीं, आप यहीं रुकिए। बैग भैया और मैं लेकर जाएंगे। लाइए भाभी। बस ये बताइए कि जाना कहाँ है। उन लोगों ने एड्रेस मैसेज किया है, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। ओके ठीक है, चलो। भैया मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं समीर, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, हमें से एक को यहाँ पर होना चाहिए।